सभी पशुपालक भाइयों और दोस्तों को नमस्कार। मैं दीनदयाल रामावत एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको पशुओं की एक ऐसी समस्या के समाधान के बारे में बताएंगे जो कि सभी घरों में सभी बाड़ों में आम रूप से रहती है, और वो समस्या है मक्खियों और मच्छरों की। पशुपालक भाइयों, चाहे बाड़े में कितनी भी सफाई कर दें, आप सभी को यह ध्यान है कि बाड़े में चाहे कितनी भी सफाई कर दें, मक्खियां मच्छर आने से रुकते नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने पशुओं को मक्खियों और मच्छरों से दूर रख पाएंगे, यानी मक्खी और मच्छर हमारे पशुओं के पास भटकेंगे भी नहीं। उनमें से पहला तरीका है एक पेस्ट बनाने का। तो साथियों, एक पेस्ट हम ऐसा बनाएंगे जिसको पशु के ऊपर अप्लाई करने से मक्खियां और मच्छर नजदीक नहीं आएंगे। उस पेस्ट को बनाने का जो तरीका है उसमें हम तीन चीजें लेंगे। पहली जो चीज है वो है तुलसी के पत्तों का रस, यानी हमें तुलसी के पत्तों का रस निकालना है और वो 50 ml लेना है साथियों। और दूसरी जो चीज है वो है सरसों का तेल, जिसकी क्वांटिटी हमें लेनी है 1 लीटर। यानी कि हमें क्या करना है, तुलसी के पत्तों का 50 ml रस निकाल करके और उसको एक कांच के बर्तन में रख लीजिए और उसी में 1 लीटर सरसों का तेल मिला दीजिए और उसको धूप में 7 दिन तक, साथियों पूरे 7 दिन तक उसको धूप में आप रख दीजिए और कोई ना कोई उस जो बर्तन है उसके ढक्कन लगा दीजिए। तो 7 दिन तक जब धूप में पड़ा रहेगा तो हमारा एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और उसको तैयार करने के बाद उसमें हमें, जब हम पशु को अप्लाई करते हैं उस समय, एक टिकिया कपूर की, जो आरती कपूर हमारे घर में आता है या कोई सा भी कपूर ले लें, एक टिकिया कपूर की पेस्ट करके और उसके साथ ही मिला देते हैं। और मिला करके जो हमने 1 लीटर सरसों के तेल के साथ जो पेस्ट बनाया था वो साथियों कम से कम 4 या 5 बार हमारे पशु के लिए काम आ जाएगा। और ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं कम से कम 3-4 दिन में हमें एक बार करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर ये अप्लाई करेंगे तो आपके पशु के मक्खियां मच्छर वगैरह नजदीक। दूसरा जो तरीका है वो है धुआं करने का, यानी हम दो चीजों को मिला करके और बाड़े में धुआं कर दें तो मच्छर मक्खियां हमारे बाड़े के नजदीक ही नहीं आएंगे। और वो दो चीजें कौन कौन सी है, पहली चीज है नीम। नीम एक बहुत ही असरकारक और दवा रूपी काम में लेने वाला वृक्ष है, तो नीम के आप पत्ते ले लें। और इसके अलावा दूसरा जो है वो सफेदे, सफेदे के भी पत्ते ले लें और दोनों को सुखा लें, और सुखाने के बाद उनका धुआं आप बाड़े में कर दें तो मक्खी मच्छर बाड़े के नजदीक ही नहीं आएंगे। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दो बातें बताई है। पहला तो पेस्ट बनाने वाला था जो तुलसी सरसों का तेल और कपूर से बनाना है, और अगर इसके अलावा अगर आपके पशु कहीं जख्म है या घाव हुआ हुआ है या कोई चर्म रोग है तो थोड़ी सी हल्दी का पाउडर भी उसमें मिला दें और फिर उसको अप्लाई करें। उससे क्या होगा कि आपके पशु के जो जख्म है वो भी ठीक हो जाएंगे और चर्म रोग भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक और इसका फायदा है, वो फायदा यह है कि अगर पशु के छोटी मोटी जू चीचड़ियां वगैरह है वो भी बिल्कुल एकदम से तैयार हो जाएंगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको दोनों उपाय बताए हैं वो आप दोनों अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद कैसा रिजल्ट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो भी मुझे बताएंगे। तो साथियों, आज मैंने जो आपको जानकारी दी है आशा है आपको पसंद आई है और आपको फायदेमंद भी लगी है। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो कुछ भी राय इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दीजिए। धन्यवाद।